खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं कश्मीर दिन भर। गांधरबल जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली है। आज समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने हालातों पर चर्चा की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह की सभा को टाला जाएगा। तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वो जिले में दवा दुकानों का निरीक्षण करें ताकि कीमतों की जांच की जा सके और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी किसी को भी स्थिति का फायदा उठाने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं DCC ने कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता के लिए मस्जिद, मौलवियों और नागरिक समाजों सहित सभी संप्रदायों का सहयोग मांगा है। बैठक में ADC फारूक अहमद बाबा, ASP गांधरबल, SDM कंगन, CMO, CEO, तहसीलदार, BMO, BDC, सरपंच, GO के अलावा सिविल सोसाइटीज के सदस्य शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के ऊंचे मैदानी इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश के बाद यातायात खासा प्रभावित हुआ। जिले के राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। हजारों वाहन फंसे हुए हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन सड़क साफ करने में जुटा है। आपको बता दें कि पांचवें दिन भी वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी हुई। वहीं आज रामसू के हिंगनी इलाके में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण यातायात काफी बाधित हुआ। विक्रम मल्होत्रा कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। संवाददाता तजम्मुल ने की विक्रम मल्होत्रा से खास बातचीत, आप भी सुनिए। आपकी पार्टी में जम्मू से भी अब जो है सदाएं उठने लगी। हालांकि जम्मू में कांग्रेस BJP का डोमिनेशन हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस से अलहदगी के बाद आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद क्या कुछ था सर जो आप पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आ गए? क्या चीज़ आपको खींच कर लाई? देखिए, जिस तरह से बुखारी साहब ने भी बताया और तमाम लोग यहाँ जिस उम्मीद से यहाँ आए हैं कि एक जो हालात खुसूसी तौर पे जम्मू कश्मीर में बने हैं, उस हालात से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो एक पहल करनी थी, वो एक बहुत जो पहला कदम उठाना था वो किसी ने उठाना था और वो इस तंजीम ने उठाने का फैसला किया है। हम जानते हैं कि बाकी तंजीमें भी यहाँ स्टेट में हैं, PDP भी है, NCP है, पैंथर्स पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, पर कहीं ना कहीं पिछले 5-6 महीने से तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्टिविटी करने की कोशिश यहाँ कर रही थी या नाकाम थी, पर जिस किसी को इनिशिएट करना था तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो था जो इस पार्टी ने उठाने का फैसला। आपकी पार्टी में क्या परेशानी थी? जो कि कांग्रेस पार्टी में हमारा बहुत देर से, जब से 370 टूटी दफा और उसके बाद से UT बनी, तब से हम पार्टी के अंदर ये गुहार लगा रहे थे कि हमको स्टेटहुड की बात करनी है, डोमिसाइल की बात करने के लिए निकलना चाहिए, पर कहीं ना कहीं पार्टी, मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कुछ लोग जो लीडर रहे हैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की B टीम बना के चलाने की कोशिश की और इसलिए कांग्रेस पार्टी कश्मीर में भी ग्रो नहीं करी, 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में महदूद रह गए। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं NC की तरफ देख रहे थे कि जब NC निकलेगी वी विल फॉलो देम, चाहे वो पंचायत इलेक्शन का बॉयकॉट हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल की जो इलेक्शन है उनके बॉयकॉट हो, चाहे जो अब इलेक्शन आ रही थी। तो हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कांग्रेस की लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देख के उनके साथ चलने की कोशिश। आखिरी सवाल होगा कि जम्मू में आप किस तरह से प्रचार करेंगे कि कश्मीर बेस्ड जो पार्टी है आप जम्मू लेके जाएंगे, जम्मू के लोगों के ख्याल आपको पता है? मुझे लगता है ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है। देखिए, मानने की बात है, ये बात ज़रूर है कि आज इसमें कश्मीर के लोग ज़्यादा हैं, पर आने वाले दिनों में, क्योंकि अब वो जो बाउंड्री और जो डिवीज़न जम्मू और कश्मीर के बीच में थी जिसमें ये था कि जम्मू कश्मीर की पार्टी सेल्फ रूल, ऑटोनोमी, Pre-53, ये सब एजेंडा थे, आज वो एजेंडा ख़त्म हो गए। हम एक ज़मीन पे, हमारी दिक्कतें एक हैं, हमारी परेशानियां एक हैं, हमारी आज एस्पिरेशंस भी एक हैं, इसीलिए हमने ये कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट आपने देखा, सुना। कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने B टीम बना के छोड़ा था, चाहे वो कैबिनेट के मामले हों, चाहे वो टिकट का बंटवारा हो, चाहे सियासी मामला हों, यही वजह है कि आपकी पार्टी में आने के बाद अब इसको जम्मू तक लिया जाएगा और जम्मू में आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इन्हें उम्मीद है कि अल्ताफ बुखारी की आदत में ये पार्टी जो है जम्मू पीर पंचाल और खुतई पीर चंचाल बाकी इलाकों में भी कामयाबी हमकिनार कर सकती है। खान मुदसर के साथ सैयद तजम्मुल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में बधिर क्रिकेट का रोमांच चरम पर है। इन दिनों वादी में जम्मू कश्मीर T20 बधिर क्रिकेट की तीसरी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ डेफ इन इवेंट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आज
टीआरसी क्रिकेट मैदान श्रीनगर में दो टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया। असल में मेरे मामू मामा सी सब ऐसे ही ये डिफरेंट डमी है, तो मैंने उनके साथ ही ये सब कुछ सीखा और मतलब बहुत खुशी होती है इनके साथ रहने में। एज ए ट्रांसलेटर आप यहां पे, तो आज के मैच के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये थर्ड स्टेट चैंपियनशिप ऑफ द डेफ है। यहाँ पांच टीमें आई हैं, कुपवारा, पुलवामा, बारामूला और श्रीनगर। तो बहुत ही मतलब इंजॉय कर रहे हैं अपना, मतलब टैलेंट जो इनमें टैलेंट था वो आज। और आबाद बेनिहाल की, वहाँ के बाशिंदों को चिकित्सा जाँच के लिए जम्मू की घाटी जाना पड़ता है। बीजेपी नेता मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों को पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं है और कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि उपजिला अस्पताल बेनिहाल ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पहुंचना आसान नहीं। हर दिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं। उन्होंने मोहम्मद सलीम ने विभाग के निदेशक से अपील की है कि बेनिहाल की उपजिला अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती करें। अगर एक हफ्ते तक बनिहाल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया गया, आपने देखा भी आजकल जो वायरस चला है बनिहाल में कहां कहां हेल्थ की टीमें लगी हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखने को मिली जी। जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं बनिहाल में ही ज़्यादा प्रेशर है उसका। जितने भी लोग आते हैं ट्रेनों में आते हैं, चाहे भाई जम्मू तक, जम्मू से गाड़ियों में बनिहाल तक आते हैं, बनिहाल से किशनगंज की तरफ जाते हैं, क्योंकि बनिहाल में ही उसका ज्यादा प्रेशर है। देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई शक नहीं, कोई राय नहीं है। कुलगाम के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को चौड़ा करने के विरोध में लोगों ने भूमि अधिग्रहण करने के कदम का विरोध किया। लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने अपनी जमीन छोड़ दी उन्हें कोई पुनर्वास पैकेज नहीं दिया गया। موجود اس سر میر بازار روڈ پہ اسر ام برو مشکلات گمت زبردست اسر مکان اڑلے کی تو سانہ خطر آو بیا سہلاب یہ گو سہلاب اگر سنس گورمنٹس یہ ضرورت کشر گھن مر سہلاب گھت بار بار یون تین اچھا منظور کہ اس دمو جان یت مگر اس سڑک یپ دے بازار روڈ گو تم سات ہسا والک اس مکان نش مجھ معاوضہ نہ کھانا چیز نہ کھینچ وی ہسا کرو اس کم زیادہ کھیل بنائے مکان اندس کنت وی آو یہ بائی پاس یپ روڈ تو اس نسا باسی لائق نس پورن نش چیز نہ لین تو نہ دین اسیب غریب شیڈول کاسٹ یوت۔ دیش بھر میں کورونا کو لے کر خوف کا ماحول ہے اور اس موقع پر ڈی ڈی سی نے اسے لے کر وستریت جانکاری بھی دی۔ ڈی ڈی سی نے بتایا کہ ضلع بھر میں 250 نگرانی سمیتوں کا گٹھن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کورونا وائرس کے بارے میں اپنے اپنے کھیتروں میں لوگوں کو شکشت کرنے کے لیے ابھیان میں ایک سکریہ بھومیکا نبھانے پر زور دیا۔ आप जानते हैं कि ये नोवेल कोरोना वायरस को डील करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाने ज़रूरी है वो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले लिए गए हैं एज़ पर दी गाइडलाइंस ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ J&K। उसमें हमने यहाँ पे 24/7 एक कंट्रोल रूम खोल के रखा हुआ है जिसमें जो है वो डॉक्टर्स और बाकी जो स्टाफ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है वो पूरे टाइम पर बैठा रहेगा। दूसरी चीज़ जो हमने की है वो इसमें जो हमारे नाकाज हैं जो खलेनी में जट्ठी में वहाँ पे हम इवेल्यूशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हेल्थ की टीम है पुलिस के साथ में जो इवेल्यूएट कर रही है कि फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री अगर किसी को है तो इमीडिएटली उसको जो है वो बाकी प्रोटोकॉल के हिसाब से या क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है या फिर उसको पूछने की ज़रूरत है, वो चीज़ें हम करेंगे। देखिए ये कोरोना वायरस के रिलेटेड जो यहाँ हमें ये ट्रेनिंग दी गई, मैं ये इस ट्रेनिंग में आकर बड़ा खुश हुआ कि यहाँ बहुत कुछ समझने को हमें सीखने को मिला। तो हमें ये मैं पहले भी सोच रहा था, ये हमारे जहन में था काश हमें भी ट्रेनिंग दी जाती, लेकिन डीसी साहब डोडा ने जो किया बहुत अच्छा किया, इससे हमें काफ़ी कुछ एहतियात बरतने को मिलेंगी। हमें ये एज सोसाइटी मेंबर के होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हर घर में हर गांव में जाकर खुद ही लोगों को कहना कि ये जो है महामारी बीमारी जो WHO ने घोषित की है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ये कि हेल्थ वालों का काम है या मीडिया वालों का काम, हर आदमी का काम है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, हम स्कूलों में जाएं, हम डिस्पेंसरी में जाएं, हम ग्राम सभा में या किसी गांव में जहां पर भी कोई हो, कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा जमघटा नहीं करना है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।